तो गाजियाबाद के आरडीसी राजनगर में बीते 16 अप्रैल को एक व्यक्ति पर दिन दहाड़े बाइक सवारों ने जान से मारने की नीयत से दो गोली चलाई थी और मौके से फरार हो गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए कविनगर पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो बदमाशों ने लोकेश चौधरी उर्फ लीलू निवासी रजापुर को गोली मारी थी, जो अभी अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो डीसीपी नगर कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त राशिद और साहिब दोनों सगे भाई हैं। राशिद ने लोकेश चौधरी से 1.5 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जो बढ़ाकर ब्याज सहित करीब 5 लाख हो गए थे, जिससे तंग आकर दोनों ने रेकी कर लोकेश को आरडीसी राजनगर के सहकारी बैंक के पास गोली मार थी। तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से एक अवैध पिस्टल बरामद की गई है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। गलत किया है। पीसी में कभी दिनांक 16/4/2024 को आरडीसी में जिला सहकारी बैंक के सर्विस लेन में लोकेश चौधरी सनाफ ओमपाल सिंह, जो कि रजापुर के रहने वाले थे, इनके ऊपर बदमाशों ने पीछे से दो फायर किया था और वो घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज थे। इनके भाई अनिल कुमार की तहरीर पर FIR दर्ज करके पुलिस ने तत्काल इसमें काम करना शुरू किया। लोकल इनपुट्स और CCTV की मदद से तथा मुखबिरों की सूचना पर हम लोगों ने आज इस घटना का अनावरण किया है। इसमें दो अभियुक्त जो बदमाश थे उनको पकड़ा गया है। राशिद सनाफ सब्बीर, जो संजय नगर मप्पू धाम का था, और इसका छोटा भाई साहिब जो इसके साथ रहता था, इन दोनों लोगों ने मिलकर घटना का अंजाम दिया है। राशिद की एक अरम जायका नाम की एक दुकान थी RDC में, जो चलाता था। पूरी घटना का जब अनावरण हुआ तो इसमें पता चला है कि अरम जायका नाम का जो दुकान मालिक राशिद है, इसने लोकेश चौधरी से 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे और बाद में लोकेश चौधरी बार बार उसको आकर के गालियां देता था और बताता था कि तेरे जो 1.5 लाख रुपए हैं 4 से 5 लाख रुपए बढ़ करके हो गए हैं। दिनांक 16/4